ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। हाथरस में विशाल शिक्षा मित्र सम्मेलन के बाद अब जौनपुर में भी एक शिक्षा मित्र सम्मेलन होना तय हो रहा है, जिसमें भी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का अभिनंदन किया जाना है। ये जानकारी दी है जौनपुर के आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने। साथ एक बड़ी जानकारी दी है कि शिक्षा मित्रों के सुरक्षित भविष्य को लेकर पिछले दिनों भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश नेतृत्व आदरणीय विश्वनाथ कुशवाहा तथा उमेश पांडे के नेतृत्व में भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी की अगुवाई में दिल्ली में मुलाकात करके अमित शाह एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की शिक्षा मित्रों द्वारा कराए जाने की मांग की गई, जिसमें माननीय अमित शाह ने अपनी सहमति दी, लेकिन उनकी ये आशंका थी कि भीड़ नहीं हो पाएगी। उनकी अच्छी भीड़ की उपस्थिति वाली शंका को समाप्त करने के लिए पिछले दिनों हाथरस जिले में शिक्षा मित्रों के जन्मदाता कल्याण सिंह के पौत्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का हजारों संख्या के बीच अभिनंदन किया गया, जिसकी सूचना माननीय अमित शाह जी को है। हाथरस की तरह पूर्वांचल में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का अच्छी संख्या के साथ अभिनंदन किया जाना है। राजेश यादव ने आगे कहा कि प्रदेश नेतृत्व से यह निर्देश मिला है कि शिक्षा मंत्री का अभिनंदन कार्यक्रम जौनपुर जिले में ही होना है, और इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम कन्फर्म हो जाने की पूरी संभावना है। इसलिए शिक्षा मित्रों को इस महान कार्य में शिक्षा मित्रों के कल्याण के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए भरपूर संख्या बल के साथ आना जरूरी है और अपेक्षित है। राजेश यादव ने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री जी के कार्यक्रम की सफलता के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, संभवतः आने वाले सप्ताह में कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, यानी आने वाले सप्ताह के अंत में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कार्यक्रम जौनपुर में होना तय है, और इसी कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम कन्फर्म हो जाने की पूरी संभावना है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।